तो आज हम निकल चुके हैं चंद्रपुरी के लिए बनारस में, तो जहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान का जन्म हुआ था वहीं पर है। वहाँ पर श्वेतांबरी और दिगंबरी मंदिर दोनों हैं, तो मैं आपको दोनों ही मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगा, श्वेतांबरी मंदिर भी और दिगंबर जैन मंदिर भी। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बेलूपुर से होते हुए निकले हम लोग सारनाथ, सारनाथ से फिर चंद्रपुरी के लिए गए, और चंद्रपुरी से आपको हम अब दिखाते हैं। चंद्रपुरी के लिए आपको सारनाथ से भी टेम्पो मिल जाएंगे और आपको कैंट से भी मिल जाते हैं, सारनाथ से आप कैंट के जरिए भी आ सकते हैं। और ये पूरा गांव है एक छोटा सा, और उसी में यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा मंदिर बना हुआ है चंद्र प्रभु भगवान का, बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की, गांव के लोगों को भी देखते हुए मैंने आगे सफ़र अपना जारी रखा और हम देखते हुए चल रहे हैं। और देख सकते हो आप पूरा रास्ता, पूरा गाँव है ये, वो कोई शहर से इनका नहीं है उतना। आपको हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो पूरा गांव है और बड़ा ही अच्छा गांव था, साफ़ सुथरा, इतनी गंदगी नहीं थी गांव में, रोडें भी बहुत अच्छी थी। और हम मंदिर के लिए बढ़ते जा रहे थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था मंदिर की ओर जाते हुए। तो आप हमारे साथ बने रहो और देखते रहो, आपको हम मंदिर का पूरा दर्शन कराएंगे और आगे देखते हैं कैसा वहाँ का मंदिर बना हुआ है। और ये गांव है, पूरा गांव की बिल्डिंग्स बनी हुई है और हम बस पहुंचने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट। और ऊपर देख सकते हो, अब मुझे बोर्ड भी देख गया है, यहाँ पर मंदिर का बोर्ड दिखा था मुझे, तो वहीं से हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। गूगल मैप ने भी बड़े आसानी से पहुंचा दिया हमें, मैंने जब क्या हुआ दोस्तों, अब आ चुके हैं हम चंद्रवती गाँव में, जो कि चंद्रवती गांव है, यहीं पर चंद्र प्रभु भगवान का चंद्र, ये बच्चे मस्ती करते हुए हमारे साथ। ये आपको दिगंबर जैन मंदिर है, और पहले हम ये दिगंबर था हमारा, और आगे श्वेतांबरी जैन मंदिर है। आगे हम आपको दिखाते हैं, ये घाट है, देख सकते हो पूरा ऊपर बना हुआ है, और ये घाट है पूरा, गंगा नदी है बनारस की, आप देख सकते हो मेरे साथ। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, बच्चे मस्ती करते हुए पूरे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं इस मंदिर पे, श्वेतांबर जैन मंदिर पे, अंदर चलते हैं हम और दिखाते हैं आपको यहाँ का जैन मंदिर। You have arrived. ये बाहर का एरिया है पूरा,
मंदिर का, आप देख सकते हो। तो अब चंद्रवती दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर चंद्रपुर भगवान की जन्मभूमि है, तो आगे चलते हैं हम, ये दिखाते हैं आपको मंदिर। तो आगे मंदिर आपको सीढ़ियों से ऊपर जाके मिलेगा। बड़ा ही पुराना मंदिर है, दीवाने देख सकते हैं, पत्थर बहुत पुराने हैं। देख सकते हो दीवारें कितनी पुरानी है, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे मंदिर को। ये मंदिर की टोक पूरी। चलते हैं और आगे हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, आगे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कितना खूबसूरत वेदी है। वही स्थली है जो कि जैन धर्म के जो आठवें तीर्थंकर चंद्रपुर भगवान की यहाँ पर मूर्ति विराजमान है, यही इनका जन्म स्थान था। मंदिर की खूबसूरती देखते हुए बन रही थी। यहाँ पर जो पेंटिंग है और आप देख सकते हो दीवार पे जो पेंटिंग कर रखी है बहुत ही खूबसूरत है, और साथ में मंदिर की मूर्ति भी बहुत ही भव्य थी, बहुत ही चमत्कारिक लग रही थी। आप देख सकते हो ये भैया हमें बता रहे हैं कि ये विजय स्वामी महाराज हैं जो चंद्रपुर भगवान की वेदी की रक्षा करते हैं, और इसी के बगल में एक माता भी हैं, उनको आपको दिखाते हैं। ज्वाला मालिनी माता हैं जो रक्षा करती है मंदिर की, ये दोनों पट। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर भगवान श्री के चरण चिन्ह हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। इसका कितने साल पुराने हैं ये मैं भैया से जानने की कोशिश करता हूँ। ये मंदिर को कितना साल हो गए भैया बने हुए? ये मंदिर से लगभग समय 1000 से ऊपर का मंदिर है। तो 1000 साल इस पैर को भी हो गए चरण चिन्ह को। जी, तो इस चरण चिन्ह को 1000 साल हो गए, इस मंदिर को बने हुए भी 1000 साल हो चुके हैं। जी जी, तो यहीं पर ये मूर्ति निकली थी कि मूर्ति एक पहले इसको लोग बता रहे गंगा जी पहले निकली हुई मूर्ति है। अच्छा, ये यहीं से निकली है जी, और यहीं पर प्रतिष्ठित हुई पे। जी, तो यहाँ पे इनका जन्म स्थान है कि यहाँ पे चार कर्ण भूमि है, गर्भ जन्म तप और ज्ञान कर्ण भूमि। अच्छा, तो ये कौन सी भूमि है? यहाँ पे चार कल्याण भूमि भगवान, चार कल्याण भूमि। जी अच्छा, तो सारे कल्याण वीडियो है उन्हीं ने क्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चंद्रपुर भगवान की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। इसका पंचकल्याण हो चुका है, और यहाँ पर आप ये जैनियों का साइन रीम, और यहाँ पे ये जो 24 बनाए गए हैं इन्हीं पर भगवान स्थापित किए जाएंगे छोटे छोटे, आप देख सकते हो। पे जो ऊपर मूल नाग चंद्रपुर भगवान प्रतिमा है वो बहुत चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण प्रतिमा है।
यहाँ पर एक औरत इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वो जिला मिर्ज़ापुर के जैन समाज की है, यहाँ तक कि उसको लखनऊ, दिल्ली, उसको कोलकाता को उसको डॉक्टर ने सब उसको जवाब दे चुके थे कि वो बचने वाली अब नहीं है। तो वो व्यक्ति यहाँ पे आया, अपना दिल खोल कर जो भी उसने अपना भक्ति प्रचार जो किया 1 घंटे में, उसकी औरत आज इतनी ठीक हो गई कि वो चलने लायक मनोकामना, उसकी औरत आके भी गई यहाँ पे, और उसने भी पूरे मंदिर का लाइट का जो सजावट उसने पूरा ही अपनी अपनी फैमिली को से पूरा उसने करवाया। अभी तक अभी भी उसको भाव है और आगे काम कराएगा अभी उसका, जो उसकी औरत और ठीक हो गई तब मनोकामना पूरी। अरे वाह, नाइस। वो देखिए वो जो पत्थर लगा हुआ है आपको ऊपर देखिए, पूरा ऊपर वो पत्थर लगा हुआ, जो ये रेलिंग बना हुआ पत्थर का, हाँ, हाँ, उस साइड में देखिए एक टूटा हुआ है, हाँ, उसने एक वो साइड में देखो कोना में आगे वो आगे कोने में जो आप देख सकते हैं टी-शर्ट ऊपर पे, टी-शर्ट ऊपर देखिए कोना टूटा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ जो ऐसे गया हुआ है आगे देखिए, कोना टूटा हुआ। उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति ने जात का, आप लोग हिंदू लोग तो पीपल काटते नहीं है, ठीक है, जात में एक मुसलमान चढ़ा था, अच्छा, उसने भी आज कई चक्कर पत्थर कई चक्कर जो पीपल ऊपर जमा उसने काट चुका था, अच्छा, उसके बाद उसने वो उतरा, उसको पकड़ के रखा था और हाथ को पकड़ा पूरा पत्थर आगे नीचे, अच्छा। उसने व्यक्ति का एक भी शरीर में कहीं खरोच नहीं, कहीं चोट नहीं, उसके जो कि पत्थर पाँव में गया उसको पाँव में भी चोट नहीं लगा, उसको चोट ही नहीं लगी, चोटा पत्थर जो कि टीन सेट, यहाँ तक कि उसका सीमेंट का टीन सेट आदमी रोज एक पत्थर फेंको तो भी टूट जाएगा, इतना बड़ा पत्थर गिरा फिर भी उसको कहीं चोट नहीं, टीन सेट भी नहीं टूटा, इतनी प्रतिमा चमत्कारी है। और यहाँ पे भी दो चीज ऐसा हुआ, जिसके गर्भ में बच्चे नहीं आया उसने भी अपना मुंह खोल के मांगा, उसका भी पूरा यहाँ से पूरा उसको पूर्ण किया गया उसके यहाँ से। अरे वाह, फिर भी उसने पूरे अपने पूरा फैमिली सुधार के जो मंदिर का पूरा साइड में आप रेलिंग देखेंगे वो उसने अपने ही तरफ से उसने पूरा रेलिंग सब कुछ लगवाया बनवाया, क्योंकि यहाँ इसके पहले रेलिंग नहीं था यहाँ पे, उसने पूरा अपनी रेलिंग उसने पूरी अपनी ओर से पूरा लगवाया उसने रेलिंग। वाह जी, वो तो